की जा रही थी गांजे की नशीले पदार्थ की, उसको बरामद किया गया है। उनके पास से जो नशीला पदार्थ बरामद किया गया है वो लग्जरी गाड़ी से SX4 गाड़ी से UP14 नंबर की लाया जा रहा था, और इनके पास से इसके बिना असलह, अवैध असलह बरामद किए गए हैं। पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं कि जो सभी अभियुक्त हैं ये मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, जिला खगड़िया, जिला भागलपुर के रहने वाले, जिसमें जो रॉकी नाम का व्यक्ति है वो हाल फिलहाल में बिसरख थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यहाँ पर इनके द्वारा जो नशीले पदार्थ हैं ये ज़्यादातर सप्लाई किए जाते थे बिक्री के लिए, जो एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थान हैं उनके आसपास ज़्यादा सप्लाई इनकी थी, और पहले से ये इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इसमें कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिनके द्वारा आगे इस नशीले पदार्थों को, माल को रिसीव करने के बाद में आगे इसको बेचा जाना था अलग अलग जगह पे। इसमें दो नाम जो सामने आए हैं गुड्डू और बिट्टू के, जिनके द्वारा इस खेप को रिसीव किया जाना था और आगे इसको सप्लाई किया जाना था। और भी कई नाम हैं जो फिलहाल सदे के दायरे में हैं, जो इस तरह के जो नशीले पदार्थों की तस्करी में जिनके शामिल होने के साक्ष्य मिले हैं, जिसके ऊपर अभी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बताइए आप, अभियान चलाया गया है इस तरीके का या फिर ये रूटीन चेकअप के जरिए? ये जो है रूटीन चेकिंग में ये पकड़ा गया है, लेकिन फिलहाल गौतम बुद्ध नगर में नशीले पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए यह अभियान चल रहा है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी अवैध रूप से इस तरह की तस्करी या बिक्री जनपद गौतम बुद्ध नगर में ना हो। ज़्यादा गंभीर इशू है, इसी कारण से हमने अभियान जनपद गौतम बुद्ध नगर में चलाया है, ताकि जनपद गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं और हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और उनके किसी तरह से एजुकेशनल भविष्य के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उसके लिए ये अभियान चलाया गया है, जिसमें लगातार कामयाबी मिल रही है। 100 से ऊपर ऐसे लोग अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने गांजे की बिक्री करी है, और आगे भी ये कार्रवाई इस तरह से है। जिनको ये बेच रहे थे उनके खिलाफ भी क्या कोई पुलिस मामला दर्ज करेगी? हाँ, ये वो अभी वांटेड है, इसमें आगे इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई और अन्य जो भी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी। बताया कि कौन सा एरिया था जहाँ पे कौन सी, मतलब इसमें अलग अलग है, बिसरख का थाना क्षेत्र है और थाना क्षेत्र 39 में MET के आसपास कई जगह पे जो है जगह जो प्रकाश में आई है जहाँ पर बिक्री की जा रही थी, और मेनली जो बताया है कि जो यंग एज के लड़के हैं उनको क्या नहीं जानकारी है, वांटेड है वो, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें दबी। ग्रेटर नोएडा में, सॉरी पूरा गौतम बुद्ध नगर में क्या ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहाँ विशेषकर इसकी सप्लाई या होती थी? हाँ, डेफिनेटली चिन्हित किया गया, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हब है जहाँ के आसपास सप्लाई है उनको चिन्हित किया गया है, वहाँ पर लगातार छापेमारी की जाएगी। जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं वहाँ पर रहने वाले कुछ तस्कर हैं, इनके द्वारा जगह जगह पर तस्करी की जा रही है इस तरह के सामान की, और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया और कार्रवाई आगे देखी गई। टू और बिट्टू ने इस माल की सप्लाई में लेनी थी, डिलीवरी लेनी थी, उसके बाद में उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना था। कहाँ पे ये लोग डिलीवरी देते, किस एरिया में? अलग अलग जगह NCR के अलग अलग, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, दिल्ली के अलग अलग। ये जो माल बरामद है वो कितने तक का, क्या है इसका? ये करीबन 20 लाख इसकी लगभग कीमत है जो मार्केट में, और 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल का माल, क्योंकि मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। उनमें से एक अभियुक्त जो कि हाल फिलहाल में जनपद गौतम बुद्ध नगर बिसरख क्षेत्र में रह रहा था, उनके द्वारा 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो अवैध रूप से गांजे के नशीले पदार्थ की स्मगलिंग में ये पकड़े गए हैं, और जो पूछताछ में बताया है कि ये बिहार से इसको लेकर के आ रहे थे, मारुति की SX4 गाड़ी में इस माल को लाया जा रहा था, और इनके द्वारा NCR क्षेत्र में इसकी जो बिक्री थी वो की जा रही थी, और ज़्यादातर जो इनका जो टारगेट कर रहे थे, जिनको बिक्री कर रहे थे, वो ज़्यादातर यंग एज के लड़के थे जो कि अभी स्टूडेंट लाइफ। इनकी बिक्री इसके द्वारा कई अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही थी, जैसे मैंने बताया कि NCR के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जिसमें जनपद गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि कई शैक्षणिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जिनके आसपास भी इनकी बिक्री की जा रही थी। फिलहाल हमारा अभियान इस तरह का चल रहा है ताकि जनपद गौतम बुद्ध नगर, इसमें इनसे करीबन 20 लाख की कीमत का 100 किलो गांजा जो बरामद किया गया है, नाजायज असला इनसे बरामद किए गए हैं, कारतूस बरामद किए गए हैं, और एक गाड़ी SX4 गाड़ी इनसे बरामद। ज़्यादातर टारगेट इनका यंग एज के लड़के थे जो कि कॉलेजेस में पढ़ने वाले, जिनको ये बिक्री करते हैं।
ये पूरे NCR क्षेत्र में इनके द्वारा सप्लाई की बात सामने आई है, उसमें जो खरीदार हैं, जो बिक्री करने वाले हैं, जो आगे इस माल को लेकर के आगे बिक्री कर रहे हैं जगह जगह पर, उनके नाम भी प्रकाश में आए हैं और उनके लिए टीमें हमारी तवज्जो दे रही है। जो बात की जाए इस ये इसमें जो जनपद गौतम नगर की बात करें तो बिट्टू नाम और गुड्डू नाम के दो व्यक्ति हैं जो इस माल को पूरा ले करके उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोफाइल के बारे में, प्रोफाइल ज़्यादातर ये जो लोग पकड़े गए हैं ये बिहार के रहने वाले हैं मूल रूप से, फिलहाल उनमें से एक व्यक्ति यहाँ बिस्तक में रह रहा था, और ज़्यादातर लोग ये झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हैं जिनके द्वारा इस तरह की कार्य को किया था। कच्चा माल कहाँ से? ये बिहार से आया है माल अभी की जो जानकारी मिली है, और बिहार से बाहरों लेकर आया है। नक्सली तो कुछ नहीं? फिलहाल ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, जैसे सामने आया।